हेलो, क्या हम कितने से वेट कर रहे हो? और कॉल चेक करना तो कितनी देखा पांच। मिस कॉल है? तो कॉल बैक नहीं कर जाता, छाटवा भी मैंने नहीं किया। मैं करने वाली थी शाम को। हाँ शाम में हमारी नॉर्मल बातें चल रही थी और तुमने उसी में कॉल कट कर दिया, वो भी बिना बताए कि क्या हुआ है क्या नहीं। और एक मैसेज कर दिया कि 2 मिनट, 2 मिनट का होकर तुमने 20 मिनट लगा दिए पूरे। तो क्या हो गया? तुम भी तो लगाते हो ना, कभी 10 मिनट का बोल के 1 घंटा। हाँ लगाता हूँ, पर बताता तो जाता हूँ ना, तुम अचानक कभी नहीं जाते, इसीलिए मुझे फिक्र। वैसे ही मैं कहाँ गए थे? तो भी नहीं, मैं कहीं जाती तो 20 मिनट वापस आ जाती। शायद, हाँ समझ गया मैं, क्या जरूर तुम पानी पूरी खाने गए होंगे ना, है ना? 20 मिनट में मैं वापस आ जाऊंगी? तुम्हारे वो घर के बाजू में लगती है ना। तो वहां पे जाऊंगी, फिर आऊंगी, फिर आऊंगी, 20 मिनट से ज्यादा तो लगेगा ही। हाँ तुम शाम में क्यों कॉल करने वाले थे? अभी कॉल नहीं कर सकते थे? वैसे भी तो घर पर कोई नहीं है तुम्हारे, इसलिए तो पांच पांच मिस कॉल कर पाया हूँ ना मैं। मैं ना सो गई थी। ए झूठी हो, हाँ तुम झूठी बातें कर रहे हो। मैं सच में सो गई थी 20 मिनट के लिए। नहीं मैं यकीन ही नहीं मानता कि तुम ऐसे सो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी इतनी इम्पोर्टेंट बात चल रही थी और खास कर तुम्हें इस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट है ना कि मुझे। मैं टीवी ये देख रही कितने थी। बहाने बनाओगे? सच जानना है? कुछ नहीं, ऐसे ही कोई आ गया था, वो पर उसकी आंटी आ गई थी, कितने बहाने बना रहे हो? कितने पर उसकी आंटी आ गई थी वो। वैसे ही और क्या बोल रहे थे वो? तुम्हारी शादी की बात लाए थे उन्होंने? नहीं, वो आके बोल रही थी कि ये खाना खाया, किडनी? ऐसे ही पूछ रही थी। ओहो, पड़ोस की आंटी को तुम्हारी ज्यादा फिक्र है ना, मेरी से ज्यादा वो भी। मम्मी बता के गई थी ना कि वो मतलब पूछते रहना, आते रहना। देखो ना, मुझे ना कुछ समझ आ रहा है लेकिन ना मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। क्या देखो, कुछ तो समझ आ रहा है। खिचड़ी तुम ना कुछ भी मत सकते, ठीक है? कुछ भी अपने दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ। सही पकती है मेरी, ठीक है? हर टाइम खिचड़ी ना की गलत पकती है। कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ, सच जो है वही सोच रहा हूँ कि हुआ क्या है, हुआ क्या होगा, क्योंकि 4 साल से रिलेशनशिप में हो तो काफी हद तक तुम्हें जान चुका हूँ। तो क्या जाने, क्या समझे? इतना भी बेशर्म नहीं हो यार कि बोल दूँ, ये बता सकते हो, है ना? नहीं ठीक है, समझ गए ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं समझा? नहीं ये समझ गए ना? अरे मैं नहीं समझा, बोला तो तुम मुझे बताओ कि हुआ क्या था। वो मैं बात कर रही थी, फिर क्यों आया? मैं बहुत सर दर्द हो रहा था। और फिर एक चूहा आया, चूहा? उसने ना पेट में जोर से काटा और फिर ना चाहते हुए भी श्रुति को कॉल रखना पड़ा, और वो बताए भी कैसे? और धीरज तो इतना पागल है, इतनी जल्दी समझता भी नहीं है। श्रुति को पेन हो रहा था, उसके पीरियड्स आए थे,
ये बताने में कोई शर्म है तुम्हें? कोई बहुत गंदी चीज है, नॉर्मल चीज है ना। पर वो तो मैंने बताया था ना। तुमने कहा बताया? सारी बातें तो मैंने बताई थी। मतलब फोन उठाया मैंने तो फिर बताया ना मैंने। तुमने क्या बताया? तो फोन उठाया तो फिर आपको पता चला ना, मेरी बातों से ही तो पता चला। तो अच्छा, फिर मैंने ही बनवाया, नहीं बताया ना। तुमने नहीं बताया, ठीक है? सारी बातें मैंने खुद बनाई और मुझे खुद सारी बातें पता चली। तुम्हारे वॉइस से, तुम्हारे जो मतलब तुम्हारे जो भी हालत है उससे, तुम जिस टाइप से मेरे से बात करे उससे, सारी बातें समझता हूँ यार। और यार पहली बात ना, मुझे जहाँ तक लगता है कि ना लड़कियाँ ज़्यादा स्ट्रांग होती है लड़कों से, बहुत ज़्यादा। मतलब एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें ना मतलब एक मशीन रहती है और ना फिर वो लड़कों के पेट पर लगाते हैं और फील कराते हैं कि लड़की को कितना पेन होता है पीरियड्स के दिन। तो मैंने भी देखा है जो ना लड़की ना लड़के तो एक और सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। वही, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यू 2-3 डेज 4 डेज है ना, सच में यार। मतलब श्रुति आ जाओ घर पर। क्या नहीं? पड़ोस की आंटी देख लेंगी। ज्यादा से आंटी हो गया मैं? ज्यादा वही तो। हाँ इमोशनल हो गया? पहले ना मैं हाँ बोलने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आंटी है। इतना सूट नहीं करता मेरे चेहरे पर, नहीं इतना ज्यादा नहीं, इमोशन में बह मत जाओ। इतना प्यार भी सूट नहीं करता ना। नहीं मुझे नाते हो ना, वही सही है। लेकिन प्यार करता हो, ठीक है, इसलिए सूट भी होना होगा ना शायद। बिल्कुल सूट नहीं होता, चिल्लाना ही सही है। जाते इमोशन में तो रखते हो ना, पता नहीं कुछ हाँ, गड़बड़ ना कर दो। और तुम्हें तो ऐसा लगता है कि मतलब खुद भी ना रोने लगो, तुम्हें भी रुलाना दो। हाँ अभी तो लगा था जैसे वो भी भजन में चलने ही वाला है जस्ट। ख्याल रखो। और इतनी कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं चल रही थी कि जैसे तुम मुझे मुझे अगर से बता देते मैसेज पे तो कॉल करता, लेकिन तुम्हें सुलाने के लिए ना कि बात करने के लिए, ठीक है? तो अभी सारा तुम्हारा तो हो चुका होगा। मुझे ना कहा अगर मैं आपको बीच में रोक दूंगी, कुछ बोल दूंगी तो आपका मूड खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं यार, तुम मुझे अगर से बता दे तो, ऐसा तो नहीं हूँ मैं, ठीक है? तुम्हें लगता है कैसा हो? सैंडी वो ज्यादा ही बह जाता होगा कभी कभी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं। बाऊ क्या बाऊ, मुझे ये शीशे हमेशा हंसी आती है, और हमेशा यही वर्ड बोलते हो। तुम्हें आसान ही खिले यार। इतनी शांति ना मुझे ना हजम नहीं होती, तो वो भी तुम्हारे मुझसे। मैं तो हमेशा से लेकिन शांत ही हूँ, मैं कभी आपसे लाउडली बात की? कभी भी हो जाते हो, वो भी गुस्से ये में टू ऐसे नॉर्मली नहीं। हाँ तो ये 2-3 डेज में होते हो, तुम्हारे मूड स्विंग्स होते हैं तो होते हो, ये तो भूलना मत, ठीक है? तो अभी तो नहीं हो रहे ना, अभी मैं शांत मूड में हूँ। अच्छा, लेकिन लास्ट टाइम पे तुम्हें कुछ बोलने वाला था, लेकिन क्या क्या तुम कुछ तो बोलने वाला था लेकिन तुमने कॉल ही कट कर दिया, था फिर सारा मजाक ही गिरा कर दिया। मैं इसीलिए नहीं बोल रही थी ना, मजाक के गिरा हो जाएगा। लेकिन कुछ तो बोलने वाला था, अगर से किसी को नहीं सुनना तो ना सुने यार। क्या बोलने वाले थे? हाँ सुनना है तो सच में? बैंक अकाउंट दे रहे हो क्या? नहीं, और तो फिर कुछ तो बोलने वाला था, क्या? ठीक है सुन लो। आई लव यू। ये आप तब बोलने वाले थे लास्ट में। ये ना बड़ा अच्छा सा बोलोगे।
कि अच्छा हाँ ये भी चलेगा, कल तुम्हारे लिए स्पेशल टाइम निकाल दो, मैं आ जाओ मिलने, इससे तो खुशियाँ मिलेंगी अब। कल मैं मिलने आऊँ? नहीं, कल नहीं आ सकती, परसों आ जाओ, परसों परसों भी नहीं आ सकती, आ जाओ। एक हफ्ते बाद आऊंगी। ए 2-3 days, ओके? ज्यादा हाँ वही, तुम भावना में बैठे हो अब। मैं कहाँ बह रही हूँ, मैं तो रियलिटी बता रही हूँ। चुपचाप ना अभी सो जाओ, ठीक है? ध्यान रखो अपना। ठीक है, था सुना क्या? सुना, आई लव यू, अरे बेटा। हेलो, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।